तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो आप देख रहे हैं इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन ट्रॉय सीरीज़ का फाइनल, जो कल खेला जाएगा। जंक्शन ओवल मेलबर्न में खेला जाएगा ये मैच, ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड पे। तो गाइस, इसकी हम ड्रीम इलेवन की टीम देखेंगे, क्या हमारी टीम रहेगी, कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको आप ड्रॉप करके चल सकते हो, कौन से ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया है, क्या वेदर रिपोर्ट है, क्या पिच रिपोर्ट, आपको सब इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गैस, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे सभी टीम्स पोस्ट कर देता हूँ आपको, रियल इलेवन और फैंटेसी पावर इलेवन की टीम भी दे देता हूँ, जो बेस्ट ऐप है यार खेलने के लिए। अगर आपको सीरियसली अर्निंग करना है तो यार बहुत ही ईजी कॉम्पिटिशन इन दोनों ऐप्स पर, खासकर रियल इलेवन पर, तो आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर दीजिए। लिंक आपको इन एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। रेफर कोड है ड्रीम टू विन, आपने रेफर कोड यूज़ करना ताकि आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिल जाए, तो आपने यार जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना है। तो गैस देखिए, आपको सभी यहाँ पर टीम्स प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी फाइनल टीम होती है, तो आपने जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 18,000 के ऊपर आपको यहाँ पे मेंबर देखने को मिल जाएंगे, टीम्स ऑलवेज विन का नाम है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कल ये मैच खेला जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न में। तो गाइस, थोड़ी वेदर रिपोर्ट की बात कर ले तो यार वेदर यहाँ पे क्लाउडी रहने वाला, जैसी मैंने वेदर रिपोर्ट मुझे मिली है। थोड़े शावर्स भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन शायद आपको क्लियर वेदर भी मिल सकता है, कुछ पता आता पता नहीं, मतलब क्लियर भी मिल सकता है, रेन के भी चांसेज हैं थोड़े थोड़े। आपको शायद गेम में डिले होता हुआ दिखे, तो आपने इस बात पर ध्यान रखना है यार। तो पिच रिपोर्ट की बात कर ले यार, पिच यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है हमेशा ही। तो यहाँ पे जब ये दोनों खेले थे तो 174 यहाँ पे यार दोनों साइड्स जब खेली थी लास्ट मैच इस वेन्यू पे, तो यहाँ पे 174 इजीली चेज्ड कर लिया गया था यार। तो कहते हैं जैसा थोड़ा मैंने वेदर बताया आपको, उस वेदर के हिसाब से थोड़ी मीडियम पेसर्स को हेल्प यहाँ पे मिल सकती है, तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। वेदर और टाइमिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपने टीम बनानी है, कौन सी टीम बैटिंग कर रही है, कौन सी बॉलिंग कर रही है, यह सब आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, अपनी फाइनल टीम भी दे दूंगा जिसे मैं खेलूंगा। तो गाइस, यहाँ पे जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करना पसंद करेगी। बड़ा बड़ा यार यहाँ पे मैच और चेज हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात कर ले तो यार 143 का एवरेज स्कोर है, ठीक ठाक मतलब रहता है यार वुमेंस के लिए, इतना स्कोर है यहाँ पे, बढ़िया स्कोर है, मतलब 143-150 बढ़िया स्कोर माना जाता है वुमेंस के मैच में। तो उसके बाद यहाँ पे चेजिंग टीम का रिकॉर्ड करें तो 2 जीते हैं और 1 हारी है चेजिंग टीम चेज करने वाली। तो यहाँ पे इंजरी न्यूज़ की बात कर ले तो यहाँ पे पूजा वास्त्रकर, पूनम यादव और ऋचा घोष यार शायद इस मैच में फिर से यहाँ पे नहीं खेलेंगे उनके इंजरीज की वजह से। तो प्रोबेबल इलेवन की बात कर लेते तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से क्या प्लेइंग इलेवन रह सकती है, अलिसा हिलियन यहाँ पे, उन्होंने कुछ खास मतलब प्रदर्शन नहीं किया यार, खास परफॉर्मेंस नहीं है, खराब फॉर्म से गुजर रही हैं। तो यहाँ पे 1019 रन है उनके बैट्समैनों यार, पिछले मैच में शानदार अर्धशतक है यहाँ पे, 50, 16, 6 और 65 यहाँ पे बढ़िया फॉर्म में है। एलिशा गार्डनर यार बढ़िया फॉर्म में बढ़िया खेल रहे हैं, 10 किए उसके पिछले बहुत ही शानदार, यहाँ पे 93 रन किए, 22, 16 हर मैच में यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्ट ले रहे हैं, और पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी भी आपको करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैकलानिंग की बात करें यार, मतलब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है यार, आपके लिए ग्रैंड लीग का ऑप्शन रहने वाला, जब अगर आप एक आधी टीम बनाते हो कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर क्लैप्स करते हो, स्पेशली जब इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, तो आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर ट्राई कर लेने एक आधी टीम में। तो यहाँ पे मैकलानिंग की बात करें तो 12-37-1 ये इनका 4 मैचों में 3 पारी में खेली है इन्होंने, स्कोर रहा है। तो उसके बाद लिस्ट पैरी यहाँ पे सबकी कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ऑलमोस्ट टीम में दिखने वाली है, यहाँ पे 10+0 विकेट है, 13+1 विकेट, 49+4 विकेट, 18+1 विकेट। तो यार बॉलिंग से तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन बैटिंग बहुत ही नीचे कर रहे हैं, तो आप बैटिंग से ज़्यादा मतलब इनका रखना मत, ज़्यादा मत सोचना कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, तो बॉलिंग के बेसिस पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना। तो उसके बाद यहाँ पे आर्यंस है यहाँ पे 24-11-9-0 बहुत ही नीचे बैटिंग कर रहे हैं यार, कुछ खास यहाँ पे फ़ायदा हो नहीं रहा इनका। तो मॉलिनेक्स है यहाँ पे 3 विकेट लिए हैं 0 विकेट लिए हैं। तो उसके बाद जस्ट नसन है यहाँ पे 1-0-1-0 विकेट ली हुई है 4 मैचेस में। यहाँ पे कैरी की बात कर लें तो 0 विकेट 1 विकेट 1 0 विकेट, और उसके बाद मेगन शितत की बात करें तो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 4 मैचेस में 4 विकेट। तो विलियमन की बात कर लें तो 2 विकेट और 3 विकेट यहाँ पे ताइला के 4 मैचेस में। तो इंडिया वुमन की तरफ से बात कर लें, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना आपको ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, 49, 8, 5
और 30 यहाँ पे रन रहे हैं शेफाली वर्मा के। तो उसके बाद स्मृति मंदाना की बात करें तो रेड हॉट फॉर्म में यार, बढ़िया फॉर्म में। तो यार आपको बढ़िया कल का मैच बढ़िया देखने को मिल सकता है, बढ़िया परफॉर्म करने को करते हुए देख सकते हैं आप स्मृति मंदाना को। 55 45 35 15 रन किए हुए, जहाँ पे जमीमा रॉड्रिग्ज़ की बात करें तो 30 23 126 रन किए हैं यार। हर मैच में स्टार्ट मिल रहा है लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। और डीएम मैचेस के बढ़िया प्लेयर हैं लेकिन T20 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं। हरमनप्रीत कौर है यहाँ पे, बहुत ही तकड़ी प्लेयर है यार, हार्ड हिटर है, 20 30 गेंदों में 50 60 रन करने वाली प्लेयर है, लेकिन ज़्यादा बैटिंग बॉलिंग आ नहीं रही। तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर के 20 नॉट आउट, 14 28 42 नॉट आउट और 0 विकेट है। तो यहाँ पे आपके लिए कल इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है, खासकर जब इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी जरूर ट्राई कर लेना। दीप्ति शर्मा की बात कर ले तो यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करती हैं, 11 नॉट आउट 2 विकेट, 9 नॉट आउट 0 विकेट 1 विकेट, 12 नॉट आउट और 2 विकेट। तो देखिए आपने हर मैच में नॉट आउट भी रह रही है और विकेट भी निकाल रही है ऑलमोस्ट हर मैच में। तो उसके बाद तानिया भाटिया विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, 8 0 11 यहाँ पे रन है। उसके बाद शिखा पांडे की बात कर ले तो 0 0 1 2 विकेट यहाँ पे, हरलीन जोन की 1 विकेट है यहाँ पे। रेड्डी की बात करें तो यहाँ पे 7 नॉट आउट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। उसके बाद गायकवाद बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, टॉप विकेट टेकर हैं इस सीरीज़ के, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। राधा यादव की बात करें तो 4 विकेट 4 मैचेस में टॉप। ग्रैंड लीग कैप्टन की बात कर लेता हूँ सीधा, यहाँ पे आपने कैप्टन बना देना ग्रैंड लीग में ने एलेक्सा हिल है यहाँ पे दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर हैं, शेफाली वर्मा आपने ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करो तो एलेक्स पैरी है यहाँ पे, स्मृति मंदाना है और ऐशे गार्डनर है। तो आपने इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में। तो चलिए अभी सीधा ड्रीम इलेवन की टीम पर नज़र डाल लेते हैं, हमारी क्या टीम रहने वाली है कल के मैच के लिए। तो गाइस ड्रीम इलेवन की टीम देखने के पहले यहाँ पे रियल इलेवन की टीम दिखा देता हूँ यार, बहुत ही ईजी है यहाँ पे विनिंग करने। एक यहाँ पे हो गया फैंटेसी पावर इलेवन, आप दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, दोनों एप्लीकेशन पे खेल के देखिए 10 12 दिन, आपको रिजल्ट दिखेगा, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अच्छे एप्लीकेशन है यहाँ पे, क्रेडिट प्रॉब्लम भी नहीं है ना कोई कॉम्पिटिशन, आप इजिली विन कर सकते हो। तो यहाँ पे यार बात कर लें, यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, बैथ मुनी और एलेसा हिली। मैं आ गया हूँ बैथ मुनी के साथ, आप जा सकते हो एलेसा हिली के साथ भी, दोनों बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन बैथ मुनी की फॉर्म की वजह से मैं इनके साथ गया हूँ। लेकिन बड़ा मैच है कल, आपको हिली भी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकती हैं। जो फाइनल टीम होगी वो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा। तो उसके बाद बैटिंग सेक्शन में बात करें तो स्मृति मंदाना मेरे पास, जमीमा रॉड्रिग्ज़ हैं यहाँ पे, शेफाली वर्मा मेरी टीम है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में एलेक्स पैरी हैं यहाँ पे, हरमनप्रीत कौर हैं, एशली गार्डनर है। उसके बाद यहाँ पे दीप्ति शर्मा मेरी टीम में, आपके पास जैसन लसन का ऑप्शन अगर आप चाहते हो तो टीम में ट्राई कर सकते हो, बैटिंग नहीं थोड़ा बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बॉलिंग कुछ खास कर नहीं रही है। तो उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो मेघन शिवसत्ता है मेरे पास, गायकवाद है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्टाइल है। तो आपके पास ये प्लेयर हो जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करो तो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन एलाइस पैरी है और स्मृति मंदाना है। तो उसके बाद यार थोड़ा रिस्क लेना तो आप यहाँ पे गार्डनर के साथ जा सकते हो थोड़ा, लेकिन बढ़िया आपके लिए बढ़िया पिक हो सकती है आपके लिए बढ़िया। ये यहाँ पे आप स्मृति मंदाना और गार्डनर के साथ जा सकते हो, आपके लिए डिफरेंशियल पिक है, क्योंकि लेस पेरी यहाँ पे ज़्यादा बैटिंग ऊपर कर नहीं रही है, तो आपको बॉलिंग से ही कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रही हैं। अगर विकेट ना मिले तो यार आप वन साइडेड विन कर जाओगे, अगर गार्डनर थोड़ा 30 40 रन भी कर गई तो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है वैसे भी। उसके बाद बैथ मुनी का एक आपके पास ऑप्शन है और दीप्ति शर्मा थोड़े यहाँ पे डिफरेंशियल पिक रहेंगे। तो गैस चलिए अभी सीधा ड्रीम इलेवन की टीम दे, तो गैस यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम दिखा देता हूँ आपको, क्या हमारे कल के मैच के लिए टीम रहने वाली है। तो यहाँ पे एलेक्सा हिली और तानिया भाटी का आपके पास ऑप्शन है, मैं तानिया भाटी के साथ गया हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े क्रेडिट भी कम है। तो उसके बाद यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना है, बैथ मुनी है मेरे पास, एलिशा गार्डनर है और शेफाली वर्मा। तो उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की बात करो तो एलेक्स पैरी है, उसके बाद हरमनप्रीत कौर है, दीप्ति शर्मा आपके पास, जैसन हसन का ऑप्शन है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में बात करो तो मैगन शिचत है, रजेश्वरी गायकवाद है, उसके बाद यहाँ पे ताइना विलेमिन के, थोड़ा इनका नाम अलग सा ही है। तो यार ये मेरे प्लेयर रहने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो मैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो एलेक्स पैरी और स्मृति मंदाना, डिफरेंशियल पिक के लिए आप जा सकते हो यहाँ पे बैथ मुनी प्लस एशिया गार्डनर के एश गार्डनर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर भी आपको बढ़िया पारी खेलते हुए नज़र आ सकती है, तो आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में। तो कैसे अगर जो भी फाइनल टीम होगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा यार, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को, और कमेंट करके बताना यार कैसी लगी वीडियो, क्या हमें करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए वीडियो में, तो हम ज़रूर उस पर देखेंगे कि हाँ अगली बार वीडियो में ट्राई करेंगे कि उस चीज़ पर इस चीज़ को कवर कर लें। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, गुड लक एंड गुड बाय।